हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश टुगेदर विद का चैप्टर नंबर टू द लार्क्स नेस्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हिंदी में समझेंगे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और चैप्टर को अच्छे से समझें अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अ लार्क हैड अ नेस्ट इन अ व्हीट फील्ड एक लार्क लार्क क्या है लार्क एक बर्ड है लार्क बर्ड का नेस्ट है कहाँ पर वीट फील्ड के अंदर यानी कि वीट यानी गेहूं के खेत के अंदर लार्क जो बर्ड है उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है एवरी डे शी लेफ्ट हर टू यंग वंस एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड डेली लार्क अपने दो छोटे छोटे बेबीज़ को नेस्ट में छोड़कर जाती थी खाना ढूंढने के लिए एज द वीट राइपन्ट मदर लार्क बिकेम वर्ड यानी जब वीप जब वीट थी यानी जो गेहूं की फसल थी वो राइपन हो गई राइपन का मतलब हो गया जब वो फसल पूरी तरीके से तैयार हो गई फसल पक चुकी थी और फसल के कटने का समय था तो जो लार्क मदर थी वो बहुत ज़्यादा वर्ड थी वर्ड का मतलब क्या होता है परेशान होना टेंशन में हो जाना तो वर्ड यानी टेंशन तो मदर लार्क वीट की फसल पक जाने की वजह से बहुत परेशान थी मदर लार्क द वीट इज राइपनिंग वेरी सुन द फार्मर विल बी हियर मदला कहती है अपने बच्चों से ये जो वीट के खेत हैं यानी जो गेहूं के जो खेत हैं ये पूरी तरीके से फसल तैयार हो चुकी है कुछ ही समय में जो फार्मर है यहाँ आ जाएगा यू मस्ट बी वेरी केयरफुल वो अपने बच्चों से कहती है तुम सबको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ऑब्जर्व एवरी थिंग दैट हैपन्स यर एंड टेल मी एवरी वर्ड दैट यू हेयर आप जो लार्क होती है मदर लार्क वो अपने दोनों बेबीज से कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है आप उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और मेरे को एक एक वर्ड जो भी तुम सुनोगे वो मुझे बताओगे वन डे वाइल द मदर लार्क वॉज अवे द फार्मर केम टू सी हिज क्रॉप्स एक दिन मदर लार्क जब खाना दे ढूंढने के लिए अपने बेबीज के लिए गई हुई थी तो जो फार्मर था वो क्रॉप्स को देखने आया था फार्मर कहता है रघु अवर क्रॉप हैज राइपेंड इट इज टाइम टू कट अवर ग्रेन फार्मर अपने बेटे रघु से कहता है कि रघु जो फसल है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है इट इज़ टाइम टू कट अवर ग्रेन यानी अब समय आ चुका है कि हम अपने अनाज को काट लें गो एंड टेल अवर नेबर्स टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग टूमोरो टू हेल्प अस टू रीप इट वो कहता है जाओ और अपने जो नेबर्स हैं यानी जो पड़ोसी हैं उन सबको बोल के आओ कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सबको आना है फसल कटवाने के लिए रीप का मतलब होता है चीज़ को किसी भी फसल को काटने को हम बोलते हैं रीप करना ठीक है तो उसने फार्मर ने अपने बेटे रघु को बोला कि रघु जाओ और कल सुबह ही सुबह अपने नेबर्स को बुला करके लेकर के आओ फसल कटवाने के लिए रघु बोलता है जी पिताजी यस फादर दैट इवनिंग व्हेन दी मदर लार्क केम बैक हर बेबीज लुक स्केयर्ड उस शाम जब मदर लार्क वापस आई अपने नेस्ट में तो जो बेबीज थे वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थे यानी डरे हुए दिख रहे थे बेबी लार्क वन बेबी लाल कौन बोलना शुरू करती है चर्प चर्प मदर द फार्मर इज गोइंग टू कॉल हिज नेबर्स टू यानी जो चिड़िया अपनी लैंग्वेज में बता रही है चर्प 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 चप है ना चिड़िया कैसे चिटू टिटू करती है तो वो अपनी लैंग्वेज में बात बता रही है अपनी मदर को कि मदर कल जो फार्मर है वो अपने नेबर्स को लेकर के आएगा दे विल हेल्प हिम टू कट हिज क्रॉप्स और जो नेबर्स हैं वो इसकी क्रॉप को काटने में मदद करेंगे मदर ला कहती हैं देन देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम डोंट वरी गो टू स्लीप मदर ला कहती है यानी कि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा डोंट वरी यानी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गो टू स्लीप सोने जाओ चलो सो जाओ बेबी लार्क टू अब बेबी लार्क टू बोलती है वाई डू यू से सो मदर यानी कि अब बेबी लाक टू के मन में विचार आता है कि मदर ऐसा क्यों कह रही हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है जबकि नेबर्स तो कल ही आ जाएंगे तो वो अपनी मदर से पूछती है कि ऐसा आपने क्यों बोला मदर तो मदर आ कहती है इफ़ द no फार्मर वेट्स फॉर हिज नेबर्स टू हेल्प हिम देयर इज़ नो डेंजर ऑफ़ दी ग्रेन बींग हार्वेस्टेड टूमो फार्मर मदर आ कहती हैं कि अगर फार्मर कल अपने नेबर्स का वेट करेगा हेल्प करने में हेल्प लेने में कि नेबर्स आएंगे हेल्प करेंगे फसल काटने में तो कोई भी डेंजर नहीं है यानी कोई भी खतरा नहीं है ठीक है यानी कल फसल कटने का कोई भी टेंशन नहीं है आफ्टर अ फ्यू डेज द फार्मर एंड सन्स केम अगेन कुछ दिनों बाद फार्मर और उनके बेटे दोबारा से वापस आए खेत देखने के लिए दे फाउंड डेट द वीट वॉज राइप एंड नथिंग हैड बीन डन उनको खेतों में जाकर ये पता चला कि जो वीट है वो पूरी तरीके से पक चुकी है तैयार हो चुकी है और कुछ भी काम खेत में नहीं हुआ है रघु फादर द नेबर नेबर्स हैव नॉट हार्वेस्टेड द ग्रीन प्रघु अपने फादर से कहता है कि फादर किसी ने भी किसी भी नेबर ने, ने हमारी फसल को नहीं हार्वेस्ट किया है यानी नहीं काटा है फार्मर देर इज़ नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट वो कहता है हमें एक भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए मोमेंट का मतलब हो गया वक्त समय तो अब हमें एक भी वक्त एक भी क्षण नहीं बर्बाद करना चाहिए वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर नेबर्स हमें अपने नेबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए वी मस्ट कॉल इन आवर रिलेटिवस राम वी मस्ट कॉल इन आवर रिलेटिव अब वो अपने बेटे राम को बोलता है कि राम बेटा तुम अपने रिलेटिव को बुलाओ गो एंड इन्फॉर्म देम दैट वी विल हार्वेस्ट अवर ग्रेन टुमारो मॉर्निंग जो फार्मर था वो अपने बेटे राम को बोलता है कि जाओ और अपने सभी रिलेटिवस को बोल कर आओ कि कल सुबह ही हम लोग ग्रेन्स हैं उसको हार्वेस्ट करेंगे तो राम कहता है यस yes, फादर और राम ये बात कह के उसी शाम दैट इवनिंग ला, बेबी लार्कवन स्केयर्ड बेबी लार्कवन डरी हुई है स्केयर्ड का मतलब डरे फे होना मदर वी आर इन डेंजर अब वो कहती है कि मदर हम अब खतरे में हैं टूमोरो द फार्मर विल कॉल हिज रिलेटिव टू हार्वेस्ट द ग्रीन कल फार्मर अपने रिलेटिव यानी रिश्तेदारों को बुलाएगा और इस फसल को कटवा देगा मदर लार्क like. डू नॉट लेट इट frighten यू my डियर यानी कि इस बात से तुमको कोई भी डर नहीं होना चाहिए कोई भी डर नहीं लगना चाहिए फ्राइटन का मतलब डर तो किसी भी तरह का डर मत समझो इस बात से यू विल बी सेफ टूमारो फिर मदला कहती है कि कल तुम सेफ रहोगी कुछ नहीं होगा तुम्हें बेबी लार्क टू हाउ कैन यू बी सो श्योर मदर अब बेबी लार्क टू फिर से यही बात पूछती कि आपको कैसे पता मम्मी कि कल कुछ भी नहीं होगा मदलाक चाइल्ड द रिलेटिव मस्ट बी हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप्स वो बताती है कि बच्चों जो रिलेटिव हैं वो अपनी खुद की क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर रहे होंगे बट आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुल टू वॉट यू हीयर द नेक्स्ट टाइम वो अपने बेबी से कहती है कि पर तुमको अगली बार कुछ भी बात हो रही है उसको बहुत केयरफुली सुनना पड़ेगा बी श्योर टू लेट मी नो एवरी थिंग और ध्यान रहे कि जो भी तुम लोग सुनो वो मुझक जरूर आए मतलब मुझे वो बात जरूर पता हो बेबी लाक्स टूगेदर येस मदर दोनों ही बेबी लाक्स अपनी मम्मी की बात को सुनकर कहती हैं ठीक है, है माँ हम बताएंगे अगली बार कुछ भी होता है तो है ना वेन द फार्मर केम द नेक्स्ट डे ही फाउंड हिज ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल द ग्राउंड अब जब नेक्स्ट डे फार्मर आता है तो वो देखता है कि अरे उसकी तो जो फसलें हैं वो जमीन पर गिरने को तैयार हैं फार्मर द ग्रेन इज रेडी टू बी कट वी कैन नॉट वेट फॉर आवर्स नेबर्स एंड रिलेटिव एनी लॉन्गर अब फार्मर कहता है कि ये जो ग्रेन हैं ये बिल्कुल रेडी हैं काटने के लिए अब हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए अपने नेबर्स और अपने रिश्तेदारों का रघु गोविद राम टू द बार्ड राइट नाउ एंड शार्पन इन अवर सिकल्स अब रघु कहता है र, जो फादर हैं वो कहते हैं रघु जाओ राम के साथ और अपने जो सिकल्स हैं यानी जो खुरपियाँ हैं जो हंसी होते हैं उनको सबको शार्प करके ले करके आओ एट डॉन वी शेल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द ग्रेन्स अवर सेल्स यानी शाम के समय जब सुबह सुबह होगी तो हम डाउन का मतलब होता है जब एकदम उजाला होने वाला होता है सुबह सूरज के उगने का समय तो जब सुबह होगी तो हम लोग खुद ही इन ग्रेन्स को हार्वेस्ट करेंगे इन द इवनिंग उसी दिन शाम को जब ये बात हो रही थी फार्मर की उनके बेटों की तो उसी दिन शाम में बेबी लार्क वन वेरी वर्ड चर्प चर्प चप मदर टुमरो द फार्मर एंड हिस्स विल हार्वेस्ट द्रॉप देम सेल्स वो बताती है कि मदर कल सुबह जो फार्मर है और उसके जो बेटे हैं वो इस क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे बेबी लाक टू चर्प चर्प मदर आई एम स्केर्यरड वॉट शैल वी डू अब बेबी लाक टू कहती है मैं तो डरी यू यू मदर अब हम क्या करेंगे मदर लाक टू चिल्ड्रन इट इज टाइम टू बी ऑफ टू बी ऑफ द फार्मर हैज़ लर्न हिज लेसन अब बताती है अपने चिल्ड्रन को कि ये समय सही है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए फार्मर ने अपना लेसन सीख लिया है ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू अंडरटेक दी वर्क हिमसेल्फ जो फार्मर है उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि वो अपने काम को खुद ही करेगा दिस टाइम द ग्रेन विल श्योरली बी कट और इस बार ग्रेन्स पक्का काटी जाएंगी वी मस्ट मूव अवर नेस्ट और इसीलिए हमें अपना घोसला यहाँ से हटा लेना चाहिए सो द मदर लाक मूव हर नेस्ट और इसीलिए जो मदर लार्क थी उन्होंने अपना नेस्ट हटा लिया द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर एंड हिज सन्स केम विद देयर सिकल्स एंड हार्वेस्टेड द वीट और नेक्स्ट डे जो फार्मर्स आए फार्मर अपने बेटों के साथ आए और वो अपने साथ सिकल यानी जो काटने वाला औजार होता है वो लेकर के आए और उन्होंने अपनी वीट को हार्वेस्ट कर लिया तो चिल्ड्रन अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू